बैंक में बदमाशों ने किस कदर बेखौफ होकर लाखों की लूट को अंजाम दिया, सीसीटीवी की ये तस्वीरें वारदात को बयां कर रही हैं। किस कदर हेलमेट पहने तीन बदमाश पिस्टल के दम पर बैंक के अंदर दाखिल हुए और बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। अब आपको राजस्थान के चुरू में शोभासर गांव की यूको बैंक में हुई बैंक लूट की इस वारदात को सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। सबसे पहले बैंक में आम रोज की तरह सभी बैंक कर्मी अपने काम में मशगूल थे, इस खतरे से बिल्कुल अनजान कि अगले ही पल यहां बेखौफ बदमाशों की एंट्री होने वाली है। अगले ही पल हेलमेट पहने तीन बदमाश बैंक में दाखिल होते हैं और बैंक कर्मियों पर पिस्टल तान देते हैं। पिस्टल के दम पर बदमाश सभी बैंक कर्मियों को एक तरफ कर देते हैं और फिर आराम से बैंक में लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। दो कैमरों की मदद से देखा जा सकता है कि कैसे पहले बदमाश बैंक में दाखिल हुए और फिर बैंक के अंदर रखे लॉकर से लाखों की रकम लेकर फरार हो गए। उनको बंधक बना के बैंक के जो चेस्ट है उसमें 8.5 लाख रुपए के करीब लूट के ले गए हैं। इसके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसके लिए जो है मुजरिमों की सघन तलाश में लग गए हैं। इस दौरान एक युवक ने उनका विरोध करने की कोशिश की तो बदमाशों ने उसके साथ मारपीट भी की। इसके बाद बदमाश बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर बैंक से करीब 8,67,000 रुपए की रकम लेकर आसानी से फरार हो गए। वारदात का खुलासा तब हुआ जब एक कर्मचारी बैंक की डाक लेकर पहुंचा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और टीमें गठित कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन बैंक में हुई लूट की इस वारदात ने गांव वालों को दहशत में डाल दिया है। विजय चौहान, चुरू, आज तक।